हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे गांव वाले घर से, और हम आ गए हैं मम्मी पापा के पास। और ये देखिए सौरिश, तो सौरिश बोर हो रहा है क्योंकि लाइट जा चुकी है, और कैश बोर हो रहा है क्योंकि लाइट भी जा चुकी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई नेट वगैरह नहीं है। जो फ़ोन में है वो तो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। सौरिश थोड़ा परेशान हो रहा है, तो धीरे धीरे लग जाएगा इसका मन। और कल उधर बारिश हुई थी, यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। इन्वर्टर भी खत्म हो जाना पुत्र, लाइट चल गई है, मार मौज थी। तो अभी आ गई है बारिश, तो हम यहाँ पे बैठ गए आके, तो बारिश का कुछ पता नहीं चला, झट से आ गई आज। तो देखिए अच्छा मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हमारी तो लाइट भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा पावर कट लग रहे हैं। बारिश होके हट भी गई है, अच्छा मौसम हो गया। अब हम घिया की बेल यहाँ लगी थी, बाहर लगाने जा रहे हैं। और सौरिश खा रहा मैगी, वो अंदर ही बैठा। ये लो, साड़ी टीन टून डुब गई है। पानी लेके आते हैं तभी लगेगी, बारिश का पता नहीं आती अब के नहीं। पानी ले लिया, अब चलते हैं। तो दो दो बेल थी, दोनों हमने लगा दी है। तो मम्मी जी ने पानी दे दिया, अभी अभी चलते हैं भिंडियाँ देख लेते हैं। इस बार ये तो ज़्यादा उगाई नहीं है, तो थोड़े से लगे पौधे, तो देखते कोई लगी है तो पक्की है, ज़्यादातर तो हो चुकी। सौरिश खत्म हुई नहीं मैगी आपकी? तो हम तो बेल वगैरह लगा के आ भी गए हैं, और ये अभी तक मैगी खा रहा है, टीवी देख रहा होगा, तो मैगी इसकी पड़ी अभी। और अभी देखो इसके शैतानियाँ आ गया तैयार होके। अभी अभी ये इसकी ये बहुत बुरी वाली आदत है, ये चार दीवारी के ऊपर ऊपर चलता है और डर लगता है क्योंकि बरसात के दिन है, वो बेचारी डर जाती है। मत कर मत कर सौरिश, बरसात के दिन है ऐसे ही गिर भी सकता है ये हाथ में। मत कर मत कर, हाथ में आ जाएगी वो सीमेंट, हाथ में आ जाए, मत कर। मैं चलता हूँ इस पे।
तो अभी चलते हैं घर की पीछे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये पड़ोसियों के नींबू तो सारे हमारी तरफ आ गए हैं। तो मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे केसर के फूल तो बहुत ही अच्छे से खिले हैं। थोड़ा पीछे हो। तो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है 3 दिनों से, दिखाती हूँ। खोल दो जो पानी चला जाएगा, धीरे धीरे खुल जाएगी। बेटा ये सरिया, ये छोटा है, इसे कराऊं? वो देख लड़की किस पे बैठी हुई है, वो देख सर ट्रेन पे बैठी है, वो क्या है? ये पता नहीं किस पे बैठी है। वो देखो सेल्फी ले रही है वहां पे, वो देखो अभी ट्रेन रुकी हुई है ना, इसलिए 2 दिन से इधर ही रुकी है। वो देख जा सकते हैं वहां पर, मैं भी जाऊंगा भाई, मैं उसको ऊपर छत पे चढ़ के ऐसे करूंगा बूम बूम बूम। पीछे थैंक यू, आपने काम कर दिया। वो देख टैप बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। वो देख निकल जाए धीरे धीरे, सही निकलेगा जरूर। देखा बारिश पड़ने के बाद कितना सुंदर लग रहा है सब। क्या है गाड़ी, सब्जी वाली गाड़ी है जी। वाओ देखा डीजे लाइट की भी पीछे ऐसे सब्जी आती है, इधर ऐसे सब्जी आती है।